नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सर्दियां शुरू होते ही हमारे यहाँ त्योहारों की झड़ी लग जाती है। उन त्योहारों में से एक महत्वपूर्ण त्योहार करवा चौथ भी है। यह त्योहार हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं का सबसे खास त्योहार होता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर व्रत रखती हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कुंवारी लड़कियां भी अपनी पसंद का वर पाने के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन पूरे विधि विधान से माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने के बाद करवा चौथ की कहानी सुनी जाती है, कथा सुनी जाती है। फिर रात को चांद को अर्घ्य देने के बाद व्रत को पूर्ण किया जाता है। इस खास व्रत के लिए महिलाएं हफ्तों पहले से तैयारियां शुरू कर देती हैं। क्या पहनना है और कैसे करवा चौथ के दिन सबसे सुंदर दिखना है। लेकिन कपड़ों के अलावा भी करवा चौथ व्रत के लिए जरूरी सामानों का भी खास ध्यान रखा जाता है। इस दिन महिलाएं बहुत ही बिजी रहती हैं, जिसकी वजह से वो करवा चौथ के व्रत में प्रयोग की जाने वाली सामग्री को, सामान को भूल भी जाती हैं। इसके लिए हमने एक लिस्ट तैयार की है, जिसे आप देखकर पूरा सामान एक ही बार में ला सकती हैं। हम आपको बता देते हैं कि करवा चौथ का त्यौहार दीपावली से 9 दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक मास की चतुर्थी को आता है और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से यह त्यौहार अक्टूबर के महीने में आता है। करवा चौथ की पूजा थाली की सामग्री क्या क्या होनी चाहिए? नंबर एक, छलनी, मिट्टी का टोटीदार करवा और ढक्कन, करवा चौथ की थाली, दीपक, सिंदूर, फूल, मेवे, फल, रुई की बत्ती, कांस की तीलियां, करवा चौथ कैलेंडर, नमकीन मठियां, मीठी मठियां, मिठाई, रोली और अक्षत, साबुत चावल, आटे का दिया, फूल, धूप या अगरबत्ती, चीनी का करवा, पानी का तांबा या स्टील का लोटा, गंगा जल, चंदन और कुमकुम, कच्चा दूध, दही, राव, देसी घी, शहद और चीनी, गोरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, 8 पूरियों की अठावरी और हलवा, दक्षिणा। अब बात करते हैं करवा चौथ के लिए 16 श्रृंगार की पूरी लिस्ट क्या होनी चाहिए। नंबर एक, सिंदूर, मंगलसूत्र, बिंदी, मेहंदी, लाल रंग के कपड़े, चूड़ियाँ, बिछियाँ, काजल, नथनी, कर्णफूल, इयररिंग्स, पायल, मांग, टीका, तगड़ी या कमरबंद, बाजूबंद, अंगूठी, गजरा, ये सभी सामान होने चाहिए। इसके अलावा जब व्रत रखते हैं तो करवा चौथ की कथा भी सुनाई जाती है, तो इसके बारे में कुछ प्रचलित कहानियां हैं जो हम आपको बता रहे हैं। प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ में वेद शर्मा नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था, उसके साथ पुत्र और वीरावती नाम की एक पुत्री थी। युवा होने पर वीरावती का विवाह करा दिया गया। इसके बाद जब कार्तिक कृष्ण चतुर्थी आई तो वीरावती ने अपनी भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन भूख प्यास से वह चंद्रोदय के पूर्व ही बेहोश हो गई। बहन को बेहोश देखकर सातों भाई परेशान हो गए। सभी भाइयों ने बहन के लिए पेड़ के पीछे से जलती मशाल का उजाला दिखाकर बहन को होश में लाकर चंद्रोदय निकलने की सूचना दी। वीरावती ने भाइयों की बात मानकर विधि पूर्वक अर्घ्य दिया और भोजन कर लिया। ऐसा करने से कुछ समय बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु के बाद वीरावती ने दुखी होकर अन्न जल का त्याग कर दिया। उसी रात को इंद्राणी पृथ्वी पर आई। ब्राह्मण पुत्री ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया कि तुमने अपने पिता के घर पर करवा चौथ का व्रत किया था, लेकिन वास्तविक चंद्रोदय के होने से पहले ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया, इसलिए तुम्हारा पति मर गया। अब उसे पुनर्जीवित करने के लिए विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत करो। वीरावती ने 12 महीने की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत पूरे विधि विधान से किया। इससे खुश होकर इंद्राणी ने उसके पति को जीवन दान दिया। इसके बाद उनका वैवाहिक जीवन सुखी हो गया। वीरावती को पुत्र, धन और पति की दीर्घायु का लाभ मिला। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।